शाहरुख खान के पठान मूवी के तीन ऐसे कारण जिसकी वजह से पठान फ्लॉप हो सकता है या फिर एक घटिया फिल्म की ओर इशारा करता है। पहला, कहानी सेम रिपीटेड एकदम सिंपल, जिसमें एक मिशन है जिसे पूरा करना है, वही स्पाई एजेंट आतंकवादी विलेन एक्शन गोली बंदूक बस फिल्म खत्म। दूसरा, मिशन पॉसिबल और साहो जैसे फिल्मों का कॉपी पेस्ट, तो साथ ही साथ बायकॉट पठान और बायकॉट बॉलीवुड, फिलहाल ये सारे खतरे पठान पे मंडरा रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म का वीएफएक्स भी उतना तगड़ा नहीं है लेकिन आदिपुरुष से बढ़िया है, परंतु ये सारे का ही फिल्म रावण से घटिया। तीसरा, अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा सब कुछ नॉर्मल लगा, कुछ सरप्राइज सा नहीं लगा यार। मतलब आप ही बताओ, वाई रिफ स्पाई यूनिवर्स दिखा दिया जिसमें ऋतिक और सलमान की एंट्री होने वाली है, पर ट्रेलर में एक भी सीन नहीं, यहाँ तक कि नाम भी नहीं। आपको क्या लगता है, इसका असर फिल्म पे पड़ेगा या नहीं?